तो रेडी हो गए सब? अभी इस लाइव में कमेंट करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, बस सुनिए मैं जो बोलने वाला हूँ। तो जैसे बहुत मौका दिया इससे पहले भी, देखो यार क्या हुआ था, आईडी डिसेबल हुआ था, आईडी डिसेबल हुआ था तो 1 हफ्ते 10 दिन बाद वापस आया। 1400 फ्रेंड में ऐड किया था, चाहता तो उस टाइम मैं रिप्लेस करके फिर से ऐड करता, लेकिन मैं नहीं किया। क्यों नहीं किया कि मैं बोले चल यार सपोर्टर ही होंगे तभी ऐड हुए थे, चलो वो भी इग्नोर किया। उसके बाद कोड मेंटेन, इतना सारा कोड डाला लेकिन कभी अनफ्रेंड नहीं किया। फिर चेक किया, फिर सपोर्ट लो। कहने का मतलब ये है यार कि जब 1000 फ्रेंड थे, 1 से 2000 फ्रेंड थे, तब टाइमलाइन पे 300 400 लाइक आ रहे थे, तो अभी 4000 फ्रेंड है तो कम से कम और ज्यादा होने चाहिए ना। चलो दूसरे वे पे बताता हूँ। दूसरे वे पे मतलब ये है कि ऑनलाइन अभी 1500 है, लगभग 1600 ऑनलाइन है, ठीक ना, 4200 फ्रेंड में 1600 ऑनलाइन। तो 1600 ऑनलाइन है तो मान लो 1600 फ्रेंड में 800 फ्रेंड लाइक मार रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 800 कुछ देर बाद मारेंगे, तो 800 लाइक दिख रहा है तुम लोग को टाइमलाइन पे? नहीं दिख रहा है ना। चलो 800 भी नहीं, कम से कम आधा और कर दो तो कितने हुए, 400 लाइक दिख रहे हैं? 400 भी नहीं दिख रहे हैं। तो कहाँ है 1600 फ्रेंड जो ऑनलाइन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं? बात ये है, अभी देखो लाइव देख रहे हैं, 1400 क्या टाइमलाइन पे 1400 आ रहे थे क्या? अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा है, बता रहा हूँ क्या ट्रेंडिंग चल रहा है पता है? अभी टाइमलाइन पे जो लाइव देख रहे हो ना, जस्ट नीचे में देखना, दो चार बंदे का होगा कमेंट ब्लॉक हो गया, कमेंट ब्लॉक हो गया, लाइक ब्लॉक हो गया, बस यही आ रहा होगा, ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और ये बहाना बेटा मैं बहुत किया हूँ, तो आप जो कर रहे हो ना उसका मैं टीचर हूँ। तो लाइक बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर में लिखा हुआ है बायो पे, देखो लाइक करने वाले रेस्ट करके लाइक करें, मतलब आपका लाइक ब्लॉक हो रहा है तो सीधी बात आप सपोर्टर हो, सपोर्टर मैं मानूंगा ही नहीं उनको, तो आपकी च्वाइस, आप लाइक ब्लॉक कर रहे हो, कैसे लाइक ब्लॉक होगा यार? आप ऐसे मारोगे कंटिन्यू तो ब्लॉक होगा, रेस्ट करके क्यों लिखा हूँ, बड़ा बड़ा लिख के रखा हूँ, हर वर्ड को चेंज करता हूँ, उसको नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं नहीं चाहता किसी का लाइक ब्लॉक हो या कमेंट ब्लॉक हो, सबको सिखाता हूँ कि थोड़ा आराम से करना। रेस्ट 10 मिनट किए, 5 मिनट रेस्ट मारे फिर करे, मतलब 5 मिनट रेस्ट की जगह कमेंट में सपोर्ट कर दिए, ऐसा करने में कभी ब्लॉक ही नहीं होता। पूछना तो विकास गुप्ता का कभी ब्लॉक होता है क्या, नीतीश पांडे का होता है, महबूब आलम का होता है, कभी नहीं होता। तो जितने डाल रहे हो पोस्ट कि मेरा लाइक ब्लॉक हो गया, सबसे पहले तू वो अनसपोर्टर है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है ना कि 70, बता रहा हूँ 70% पोस्ट जो लाइक ब्लॉक है डाल रहे हैं ना, 70% फेक है, सब अनसपोर्टर है, मुश्किल से 20% जो कि गलती से हो जाता है, गलती से ब्लॉक हो जाता है। उसके अलावा भी मैं बोला था कि सेकेंड आईडी बना लेना, एक आईडी बना लेना, तो जैसे मान लो सोनू राजपूत मेरा नाम, तो मैं अगर सेकेंड आईडी बनाऊंगा सोनू राजपूत सेकेंड बनाता, तो सेकंड लिख दीजिएगा कोष्टक में, लिख दीजिएगा या कहीं पर भी लिख दीजिएगा भाई, नेम ऐसा रखिएगा ताकि मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो देखूँ कि यार सुमित सेकंड लिखा है, तो मैं सर्च करूँ सुमित और फर्स्ट को रिक्वेस्ट भेजूँ तुम्हारे मेन अकाउंट को, सेकंड को नहीं मेन को भेजूँ, तो ऐसा कुछ नाम रखो अपनी आईडी का, फोटो सेम रखना ताकि पहचानने में इजी जाए। उसके बाद आप कोई भी अकाउंट से सपोर्ट करो, आपके मेन अकाउंट को रिक्वेस्ट मिलेगी मेरी, सिंपल सब है। लेकिन ये लाइक ब्लॉक सुन रहा हूँ ना मैं ट्रेंडिंग में, सबसे पहले उन्हीं को हटाऊंगा मैं, तो आप लाइक ब्लॉक करो, आप लोग देखता हूँ मैं कैसे ब्लॉक होता है। जब बोल रहा हूँ कि लाइक ब्लॉक नहीं होता है, आप लोग थोड़ा सही तरीका से करना, 25% फ्रेंड को मैं बता रहा हूँ जिनका लाइक ब्लॉक बाई मिस्टेक हुआ है, और 75% तो सीधा बोल रहा हूँ फेक है, वो उनका कुछ नहीं हुआ है, वो सपोर्ट देते नहीं है, जब देखते हैं कि ऑनलाइन है भैया तो डाल देते हैं कि लाइक ब्लॉक हो गया है मेरा, ताकि उनको लगता है कि सोनू भैया देख रहे हैं, सोनू भैया तो पागल हैं, उनको पता नहीं होगा कि लाइक ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। जब उसके जब वो भाई उसका लाइक ब्लॉक है तो उसके खुद के पोस्ट पे उसका लाइक क्या कर रहा है सोचो। मान लो मेरा लाइक ब्लॉक है तो मेरे पोस्ट पे मेरा ही लाइक कैसे आ गया, मतलब इतना बड़ा बेवकूफ वाला काम कर रहे हैं। मैं कई लोगों का चेक किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। और रही बात रिफ्रेश की, तो छोटा रिफ्रेश मेरे को करना पड़ेगा, मजबूर कर दिए हो, मैं नहीं करने वाला था, मेरा कोई चांस ही नहीं था, मैं सोचा मस्त 4000 हुआ, 1000 और फुल करूंगा, बीच बीच में जो जो कोड मेंटेन नहीं करेंगे या कुछ ज्यादा इलीगल काम करेंगे उनको हटाएंगे, मैं सोच के रखा था, लेकिन नाक में दम कर दिया भैया अनसपोर्टर को।
मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं आज पूरे दिन वॉच कर रहा था ना, पूरे दिन वॉच किया दूसरे के अकाउंट से, मैं अपने अकाउंट में नहीं था। मैं बोले चल मैं ऑफलाइन हूँ तो क्या हाल है। तो देख रहा हूँ यार फैमिली इतनी मस्त ग्रेट फैमिली में कहाँ बीच बीच में ऐसे ऐसे फ्रेंड घुस गए हैं कि मतलब मैं ऑफ तो अपना भी सपोर्ट ऑफ हो जाता है उनका। मतलब यार वो मेरे को दिखाने के लिए सपोर्ट कर रहे, तो फर्जी नहीं है यार। मुझे क्या दिखाना, मैं क्या कोई मतलब मेरे को देखने से मतलब नहीं है कि आप सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आपको आगे बढ़ना है तो आपको सपोर्ट करना है, कहने का मतलब है। लेकिन कई फ्रेंड ऐसे हैं कि देखे भैया ऑनलाइन है तो सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन हूँ तो गायब अपना। मतलब जहाँ ऑनलाइन हूँ तो 180 150 200 लाइक, और ऑफलाइन हूँ तो 100 110 120 100 प्लस ओनली। तो क्या हो रहा है बताओ, खुद ही बताओ। अभी देखो 1900 फ्रेंड देख रहे हैं भाई, 1900 फ्रेंड और लाइक 1900 थोड़ी मिल रहा है। 19 का आधा का आधा भी करोगे ना, 20% नहीं गिर रहा है टाइमलाइन पे। तो इसीलिए मैं छोटा रिप्लेस करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ, हाई म्यूचुअल वाले से टारगेट कर रहा हूँ जिसका हाई म्यूचुअल है, और वही उसी में बहुत बड़े बड़े अनसपोर्टर घुसे हुए हैं, तो उन्हीं को पहले उड़ाऊँगा मैं। और बस मैं उड़ाऊँगा, अब मेरा मूड ख़राब है, अब मैं उड़ाऊँगा ही उड़ाऊँगा। और टाइमलाइन से जितने लाइकर जितने सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से अच्छे, उनको पहले ऐड करूँगा। और आप सभी को मैसेज देता हूँ, जो जो देख रहे हो आप लाइव, जो ऐड नहीं हो सके हैं या होना चाहते हैं, आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, आप म्यूचुअल के चक्कर में मत रहना कि सामने वाला म्यूचुअल बढ़ाने के लिए आप उसको ऐड करो, ये सब को चक्कर में मत रहो। जो लाइक करता है उनको रिक्वेस्ट भेजना होगा, जो टाइमलाइन पे लाइक करते हैं सिर्फ उनको रिक्वेस्ट भेजिएगा। कोई पोस्ट डाल के बोलेगा ना ऐड कर लो म्यूचुअल बढ़ा दो, मत भेजना उसको, फॉलोअर बढ़ाता है वो। मैं बता रहा हूँ फॉलोअर बढ़ाता क्या है, मतलब वो मतलब अनसपोर्टर वाले, कई फ्रेंड ऐसे होते हैं ना जो अनसपोर्टर होते हैं, सब चाहते हैं कि भाई कुछ मेहनत मत करें, पोस्ट डालें अपना काम बने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसे सोचते हैं, ऐसे फीलिंग वाले हैं। तो आप उनको छोड़ो हमारे बोली, जो लाइक करते हैं उनको भेजिएगा रिक्वेस्ट, बाकी कोई मतलब नहीं है। ओके तो लाइक से रिक्वेस्ट भेजिएगा, और म्यूचुअल के चक्कर मत रहो। कम से कम 100 म्यूचुअल रख लेना, 50 से 100, भाई इतने फ्रेंड में तो 150 बन ही सकते हैं म्यूचुअल ना, उतना बना लेना और आराम से सपोर्ट देना। रिलैक्स सपोर्ट कैसे देना है वो भी बता चुका हूँ, एक ही बार नहीं मारना है, आराम से मारना। 10 मिनट अभी दिए, आधा घंटे बाद 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे ऐसे करके देना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के नज़र पे जाओ। रात को आप लोग कोशिश कीजिएगा रात को कमेंट देने का, 12 बजे के बाद, रात के 12 से 1 मैं ओनली कमेंट देखता हूँ। मतलब रात के 11 मतलब 12 बजे के आसपास आप लोग लग जाइएगा 11 बजे से 1 बजे तक कमेंट के लिए। कमेंट मस्त सपोर्ट दीजिएगा, जैसा पोस्ट वैसा कमेंट, इस हिसाब से दीजिएगा। अब बिंदास फ्रेंड लोग से बात करते करते दिन में ओनली लाइक सेट करता हूँ, रात को कमेंट से करता हूँ, तो ऐसे में एडिंग भी हो जाएगी। और रिफ्रेश डेट भी बता देता हूँ, छोटा रिफ्रेश कब करने वाला हूँ। छोटा रिफ्रेश मतलब कोई गारंटी नहीं है, 1000 नहीं हो सकता, कहीं 2000 मत उड़ाना पड़े, वो तो प्रोफाइल से पता चलेगा ना। मैं किसी को भी फ्रेंड लिस्ट के प्रोफाइल में घुसूंगा, उसका प्रोफाइल पूरा बता देगा कि कितना सपोर्ट किया, कितना लाइक लिया। 3000 लाइक है, मतलब 3000 फॉलोअर है तो 30000 लाइक है उनके, और 30000 लाइक का मतलब 10% 3000 टाइमलाइन पे दिखा गया नहीं दिखा, वो सब जाएंगे। तो अभी उनके पास फिर से लास्ट बार यही बोलूंगा मैं, अभी आप लोगों को क्या सही तरीका बता देता हूँ कुछ। सही तरीका ये है भाई, अभी आप लोगों के पास मस्त ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 कि अभी मस्त सपोर्ट दो, एक दूसरे फ्रेंड से टच पे रहो, ताकि अगर मान लो आप अनफ्रेंड हो गए रिफ्रेश पे, तो जो आपके फ्रेंड है ना आपका सपोर्ट करे। अगर एक बंदे का पोस्ट, एक बंदे का पोस्ट अगर 10 लोग डालेंगे, 10 लोग कम से कम 10, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली में अगर 10 फ्रेंड आप नहीं बना पाए तो क्या बनाए, कुछ नहीं बनाए। तो 10 फ्रेंड अगर एक ही बंदे का पोस्ट अगर डाल रहे हैं, तो मैं उस बंदे को मैं ढूंढ के ऐड कर लूँगा, कोई उसको कोई परेशानी नहीं जाएगी। तो अभी आप लोग मस्त सपोर्ट करो, दोस्त बनाओ, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, ताकि ऐसे दोस्त ही काम आएंगे। और अनसपोर्टर जो अनसपोर्टर लोग जो देख रहे हो ना, चलो बेटा अब आ गया आप लोगों का टाइम, बहुत इंजॉय किए ना, मतलब सिर में चढ़ा के रखा हूँ। मतलब यार अनसपोर्टर लोग को क्या बताऊँ, बहुत मौका दे रहा हूँ यार, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं रिप्लेस करूँ या कुछ करूँ, छोटा रिप्लेस करूँ या ऐसा करूँ, अनफ्रेंड करूँ, एकदम मेरे को मजा नहीं है। किसी को अनफ्रेंड क्यों करना है यार, पता नहीं कितना टाइम मेहनत किया होगा। लेकिन कई फ्रेंड ऐसे हैं ना जो 10 मिनट में ऐड हो गए,
क्योंकि मैं सीधा ऐड कर देता हूँ ना, भेदभाव वाला काम नहीं करता मैं, सीधा उठाता हूँ ऐड कर देता हूँ। तो इस चक्कर में कई फ्रेंड और म्यूचुअल वाले लोगों का तो कसम से इतना एटीट्यूड बढ़ा है कि क्या बताऊँ। मतलब किसी का 1200 म्यूचुअल है ना, तो मैं लाइक क्यों करूँ, मेरा 1200 म्यूचुअल है भाई, ऐड हो जाऊँगा। देखना तो कैसे उड़ते हैं अभी, सबका वाट लगाऊंगा। तो अब जितने फ्रेंड हैं तो चलिए अब लगी एक नंबर का आराम से सपोर्ट दीजिए, इमेज बनाइए अपना। और जो सपोर्टर परेशान तो होना नहीं, उनको पता है कि ऐड हो जाएंगे। अगर बाय मिस्टेक मेरे से अगर कोई सपोर्टर अनफ्रेंड हो जाएगा तो आप लोग 10 फ्रेंड ऐसे बना के रखना, 10 फ्रेंड कि 10 के 10 फ्रेंड आपका पोस्ट डाल दें कम से कम 2 घंटे के अंदर, ताकि मैं आपके प्रोफाइल में जाके चेक करूँ ना तो मुझे दिखे हाँ यार इसने भी डाला, इसने भी डाला, इसने भी डाला, पक्का अच्छा सपोर्टर है, ऐड हो जाएगा ठीक। और बाकी जो अनसपोर्टर है ना चले ना जाए, मेरा क्या जा रहा है। तो चलो चैनल पे सपोर्ट करते हैं एक नंबर का। और लाइक ब्लॉक वाले फिर से बोल दूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, लाइक ब्लॉक नहीं होता है, ब्लॉक मत करना, लाइक ब्लॉक होता ही नहीं है, जबरदस्ती का ब्लॉक करते हो। अगर कभी गलती से बाई मिस्टेक ब्लॉक हो जाता है तो तुरंत नहीं छेड़ना चाहिए उसको, छोड़ देना चाहिए। मतलब आज ब्लॉक हो गया तो तुरंत चालू हो गया, 3 घंटे में, 4 घंटे या 24 घंटे में खुला, फिर लग गए तो ब्लॉक हो गया। 2 अकाउंट बना के रखो ना यार, बस आईडी का नाम याद रखिएगा, जो नाम है उसका सेकंड लिख दीजिएगा उस पे, ताकि मैं आपके मेन अकाउंट को ढूंढ के रिक्वेस्ट भेजूँ। सेकंड अकाउंट में रिक्वेस्ट ना भेजने के बजाय मैं मेन अकाउंट पे भेजूँ आपको ठीक। तो ऐसा कर दीजिएगा या फिर अपने बायो पे लिख दीजिएगा, जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए तो भाई प्रोफाइल खोलता ही ना, तो प्रोफाइल में बायो में लिख लीजिएगा भैया सेकंड अकाउंट है, मेन अकाउंट में भेज दीजिएगा रिक्वेस्ट, ऐसे लिख के। ऐसे सपोर्ट करोगे तो ऐसे में भी ऐड हो जाओगे, मेन अकाउंट में ऐड हो गया आप, अपने आपके मेन अकाउंट पर रिक्वेस्ट भेजूंगा ठीक। चलो भाई क्या क्या, कोई नहीं, आराम से भैया आईडी रिफ्रेश करो। अरे फुल रिफ्रेश नहीं करना है यार, छोटा रिफ्रेश ही काफ़ी है। फुल रिफ्रेश चलो मैं वो भी बता देता हूँ कब होगा, सब कुछ बता दूँ क्या, मेरे बर्थडे के दिन हो सकता है। बर्थडे सोचोगे कब है, अभी लेट है, मैं बता दूंगा कब है बर्थडे ठीक। बर्थडे का टाइम रिफ्रेश कर दूंगा, फुल रिफ्रेश रहेगा। और अभी छोटा अभी तो बहुत टाइम है, मतलब 3 महीना 2-3 महीना अभी फुल रिफ्रेश होगा ही नहीं अभी समझो। छोटा रिफ्रेश में कोई चांसेस नहीं, मैं नहीं बता सकता कितने उड़ेंगे, हो सकता है 1000 भी उड़ सकते हैं, हो सकता है 2000 भी। 2000 तो मेरे को लग रहा है 1800 लगभग जाएंगे ही जाएंगे। 2100 स्क्रीनशॉट है, 2100 में अगर मैं किसी को बाय मिस्टेक इग्नोर भी करूं 500 का ही कर पाऊंगा ना, 600 तो जाएंगे, मतलब 1600 लगभग तो जाएंगे, इतना तो कन्फर्म है। तो अभी मौका है 1600 को 600 में कर दो, मतलब 1000 जो स्क्रीनशॉट में आए होंगे ना सपोर्ट दे दो अभी, इमेज अपना बना लो। और जो फ्रेंड ऐड नहीं हुए हैं टेंशन मत लो ना, एडिंग तो कर ही रहा हूँ, ऐड अभी भी ले रहा हूँ और ऐड लेता ही रहूँगा। तो जिसका म्यूचुअल कम है आप लोग दोस्त बनाओ, म्यूचुअल के चक्कर में मत रहना, दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना, ताकि वो पोस्ट डालें आपका 10 ठीक। और टाइम लाइन पर चलो सपोर्ट देना चालू करते हैं। और मैं वॉच कर रहा हूँ कौन कौन ऑनलाइन है, पहले तो अब तो नया है यार इन लोग, मेरे को समझ में ये नहीं आता है, थोड़ा सा इसका यूज क्यों नहीं करते हैं। मतलब अनसपोर्टर लोगों को बोल रहा हूँ कि इसका यूज करो ना, मतलब यार आप ऑनलाइन हो 1600, ऑनलाइन का अगर मैं एक वीडियो बना लूँ या नाम ही स्क्रीनशॉट कर लूँ और देखूँ टाइमलाइन पे कि कौन कौन नहीं दिख रहा है, सीधा अनफ्रेंड कर दूँ तो कितना मजा आएगा बताओ उनको, बहुत मजा आएगा ना यार। ऐसा मत करो, आप लोग जितना सोचोगे उससे ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही दिमाग दौड़ता है मेरा, तो आप अनफ्रेंड होने के चक्कर में मत रहो यार, अच्छा खासा सपोर्ट करो। कौन सा इसमें बोल रहे हो 24 घंटे लगे रहो, जितना टाइम आप ऑनलाइन हो कम से कम तब तो टाइमलाइन पे सपोर्ट दो, जहाँ मतलब जहाँ से आपको सब कुछ मिलता है, लाइक कमेंट फ्रेंड फ्रेंडशिप सब कुछ मिल रहा है, जिसको ब्लड की जरूरत है उसको वो भी तक मिलता है, दोस्ती यारी सब मिलती है। अब आप ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन हो मेंशन मार गए लेकिन टाइमलाइन पे नहीं दिखे, मतलब क्या है आपका इरादा क्या है दोस्त बता दे। तो ऐसा काम मत करना यार, फिर से मौका दे रहा हूँ, बस अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं छोटा रिफ्रेश कर ही रहा हूँ, लेकिन बस बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा मत करो कि 2 दिन बाद मैं अचानक से रिफ्रेश मार दूँ छोटा ठीक। चलो टाइमलाइन पे चलते हैं और मैं वॉच कर रहा हूँ ना, हाँ यहाँ हैप्पी बर्थडे इन एडवांस आ रहा है, 2 महीने बाद है अभी नहीं, अब बर्थडे रहेगा तो पता चल जाएगा, मैं बता ही दूंगा कि बर्थडे कब है। मेरी आईडी के डेट ऑफ बर्थडे पे मत जाना ना, इसका डेट ऑफ बर्थ बदलते रहता है, मैं डेट ऑफ बर्थ मतलब मेरा बर्थडे मैं खुद ही बता दूंगा आपको ठीक। चलिए।